हे गाइस, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल। मैं राम्या और आज मैंने किया है फेस आर्ट जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है। सो वीडियो को लंबा ना खींचते हुए चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। सो मैंने पहले ही अपना फेस मॉइस्चराइज कर लिया था और इसके बाद मैं लैक्मे का स्केच आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ आर्ट बनाने के लिए। आप जो भी बटरफ्लाई, स्टार, कुछ भी बनाते हैं, हाथी, घोड़ा, उससे आप काफ़ी ईजिली इससे आप बना सकते हैं, तो मैं इसी से बनाऊंगी। आप देखिए, आगे बटरफ्लाई बनाती हूँ, देखिए क्या देखने को मिलता। बना तो बटरफ्लाई रही हूँ। सो एक आँख पे मेरा बन चुका है, अब मैं दूसरे की तरफ बना रही हूँ। ये सिर्फ देखने में इजी है लेकिन सच में काफ़ी टफ है। अब मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है इसको बनाने में, ट्राई करिए आप भी। हमने इसे बटरफ्लाई का शेप दे दिया। इसके बाद हम लगाएंगे ऑरेंज आई शेडो। आपको जो सही कलर सही लगे आप वो फिलअप कर सकते हैं। इसे काफ़ी केयरफुली करना होता है क्योंकि ये काफ़ी इजी हो जाता है। नीचे वाले लेयर पे मैंने ऑरेंज, ऊपर रेड एंड उसके बाद मैं ब्लू फिलअप कर रही हूँ। मैं अलग अलग कलर ट्राई कर रही हूँ, आपको अगर अच्छा लगे तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा। ये हमारे आईज फिलअप हो चुके हैं, उसके बाद हम आईब्रो फिलअप करेंगे। इस बात का ध्यान रखिए आप थोड़ा आईब्रो डार्क फिलअप करें क्योंकि थोड़ा सा डार्क रहेगा तो ये काफ़ी अच्छे से निखर के आएगा और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैं ये ब्लैक कलर से फिलअप कर लूँगी अच्छे। आईब्रो इतने भी आप डार्क मत कर लेना कि आप रामलीला के रावण दिखो। इसके बाद हम लगाएंगे फिट मी फाउंडेशन। इसको मैं फाउंडेशन ब्रश पे लेके पूरे फेस पे अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी। आप कोई अच्छा सा ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ फाउंडेशन ब्रश यूज़ किया है, मुझे काफ़ी कम्फर्टेबल लगता है। और अब हम लगाएंगे कॉम्पैक्ट। मैं ये फिट मी का यूज़ कर रही हूँ, ये काफ़ी अच्छा होता है। इसको ब्रश से मैं काफ़ी केयरफुली पूरे फेस पे लगा लूँगी। इस बात का ध्यान रखें कि आँखों के पास ना जाए वरना एक ख़राब हो जाएगा, फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करने में। और उसके बाद मैं ये साइड साइड बटरफ्लाई के साइड में थोड़ा हाइलाइटर लगाऊँगी, इससे हल्की सी शाइन आएगी और काफ़ी अच्छा लुक आएगा इससे। ये देखने में बहुत इजी है लेकिन करने में सच में बहुत टफ है। अब हम करेंगे अपना फेस कॉन्टोर। मैं ये NY का यूज़ कर रही हूँ। मैं इसको अपने नोज़ पे, हेड के साइड में एंड जॉ लाइन पे लगाऊंगी, उसके बाद मैं अच्छे से ब्लेंड कर लें। मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब हम लगाएंगे ब्लश। मैं रेड यूज़ करूँगी और ये बटरफ्लाई के साइड साइड में भी लगा लें, इससे काफ़ी अच्छा लुक आएगा। अब इसके बाद हम लगाएंगे लिपस्टिक। मैं ये पर्पल लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। ये मैं ब्लू हेवन की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, मैट लिपस्टिक, काफ़ी अच्छी है ये, काफ़ी अच्छा शेड है ये। एंड उसके बाद हम लगाएंगे हाइलाइटर गोल्ड। हाइलाइटर हमारा हो चुका, अब हम लगाएंगे मस्कारा। मैं ये ब्लू हेवन का यूज़ कर रही हूँ। आप काफ़ी केयरफुली लगाएं क्योंकि अगर ये अगर आपके
आईज पे लग गया तो आपको डबल वर्क हो जाएगा, फिर आपको उसको रिमूव करके फिर आपको आई शेडो लगाना पड़ेगा। तो आप काफ़ी ध्यान से लगाएं और नीचे के साइड भी काफ़ी केयरफुली लगाएं। सो गाइस, ये था मेरा फाइनल मेकअप लुक। हो आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके मुझे बताइए। एंड ये रात के 2:30 बज रहे हैं और मुझे ये वीडियो बनाने में करीब 2 से 2.5 घंटे लगे, और इसमें सच में बहुत मेहनत लगी है। छोटा सा एक आर्ट आप देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें सच में बहुत मेहनत लग रही है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए एंड अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप और भी ऐसी अच्छी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।